हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का जो अगला टॉपिक है, जिसका नाम है व्यापार खाता को तैयार करना। तो व्यापार खाता का मतलब क्या होता है और व्यापार खाता में कौन कौन सी मदें आती हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। और व्यापार खाते का जो नमूना है वो भी बनाना हम सिखाएंगे। तो आइए समझाते हैं कि जो व्यापार खाता होता है, देखो कहते किसके लिए है। जिससे मैं आपके लिए बताऊं, इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि अंतिम खाते में कौन कौन से खाते तैयार होते हैं। तो वहां पर पहले नंबर पर हमने लिखा था निर्माणी खाता, दूसरे नंबर पर व्यापार खाता, तीसरे नंबर पर लाभानी खाता और चौथे नंबर पर हमने लिखा था वो था हमारा आर्थिक चिट्ठा। तो यहां पर मुझे समझाना होगा कि व्यापार खाते से हम ये स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निर्माणी खाते का, अगर कोई भी वस्तु का निर्माण करके अगर हम उसे बेचते हैं तो निर्माणी खाते का जो बैलेंस है वो व्यापार खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे व्यापार खाते का सकल लाभ लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा निर्माणी खाता होता है उसका बैलेंस है वो व्यापार खाते में लाया जाता है। लेकिन मोस्टली आपके एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उनमें निर्माणी खाता नहीं बनाने को आएगा, क्योंकि निर्माणी खाता बनता है मोस्टली जहां पर हम कॉस्ट ज्ञात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो यहां पर व्यापार खाते से हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा होता है व्यापार खाता और कैसे समझेंगे व्यापार खाते के लिए। देखो, व्यापार खाते की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट पक्ष होता है उसमें क्रय लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में विक्रय लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह खाता जिसमें क्रय और विक्रय, वह खाता जिसमें क्रय और विक्रय तथा क्रय से संबंधित जितने भी खर्च होते हैं उनको दर्शाया जाता है, उस खाते को हम व्यापार खाता कहते हैं। अब व्यापार खाते में विक्रय से संबंधित व्ययों को नहीं लिखा जाता, सिर्फ क्रय से संबंधित व्ययों को लिखा जाता है या निर्माण से संबंधित व्ययों को लिख दिया जाता है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि इस खाते में प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया दोनों का समावेश होता है, शामिल किया जाता है, ऐसे खाते को हम व्यापार खाता कहते हैं। अब व्यापार खाते का जब अर्थ लिखने का नंबर आएगा तो आप इसी तरह से इसे डिफाइन करोगे कि वह खाता जिसमें प्रारंभिक रहतिया, किराए और प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाए, ऐसे खाते को हम व्यापार खाता कहते हैं। और इस खाते के क्रेडिट पक्ष में विक्रय और बिना बिके हुए माल को भी शामिल किया जाता है, जिसको हम अंतिम रहतिया कहते हैं। और जिस खाते से हमें सकल हानि या सकल लाभ के बारे में जानकारी मिलती है उस खाते को हम व्यापार खाता कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा समझना होगा कि लिखोगे, जब अर्थ लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे। अर्थ किसका? व्यापार खाते का। व्यापार खाते का अर्थ किस तरह से इसको हम समझाएंगे, दो लाइनों में आप किस तरह से लिखोगे एकदम सटीक जानकारी के लिए। तो लिखेंगे वह खाता जिसमें क्रय तथा क्रय से संबंधित व्ययों एवं विक्रय किए गए माल के द्वारा सकल लाभ या हानि की जानकारी वर्ष के अंत में हमने क्यों डाला, क्योंकि यह हम तैयार कर रहे हैं अंतिम खाते, और अंतिम खाते सदैव बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं वर्ष के अंत में प्राप्त होती है, उसे कौन सा खाता कहते हैं, व्यापार खाता कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से किराए, विक्रय, रहतिया,
रहतिया कहते हैं स्टॉक के लिए, इसमें मुख्य रूप से क्रय विक्रय रहतिया प्रत्यक्ष व्यय आदि को शामिल करके सकल लाभ हानि की जानकारी मिलती है उसे व्यापार खाता कहते हैं। अब देखो इस तरह से जब लिखोगे तो इसमें सारी बातें आपकी वो इंक्लूड हो गई, वो लिख गई जो मुख्य मुख्य बातें हैं व्यापार खाते से ही संबंधित हैं। तो व्यापार खाता कौन सा खाता होता है? व्यय खाता होता है जिसमें क्रय विक्रय और प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल करके और क्रेडिट साइड में बिक्री और अंतिम रहतिया को जोड़ करके या तो सकल हानि हुई होगी या सकल लाभ हुआ होगा उसकी जानकारी मिलती है। ऐसे खाते को हम कौन सा खाता कहते हैं? व्यापार खाता कहते हैं। और व्यापार खाते की सबसे अच्छी बात बताएं ये होती है कि व्यापार खाते से हमें ग्रॉस यानी सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी होती है, जिसमें अभी कुछ और खर्चे घटाने हैं उन खर्चों की अभी जानकारी हमें नहीं होती है। तो यहां से ये इस तरह से इतना सा अगर आप लिख देंगे तो समझ लीजिएगा कि टू द पॉइंट लिखा जाएगा और नंबर वहीं पर अच्छे मिलते हैं जहां पर टू द पॉइंट लिखा जाता है। अब हम अगले इसी के आगे अब हम पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि बैंक खाता जिसमें क्रय तथा क्रय से संबंधित व्ययों को और विक्रय किए गए माल के द्वारा सकल लाभ या हानि की जानकारी वर्ष के अंत में प्राप्त होती है। भैया वर्ष के अंत में प्राप्त होती है उसे व्यापार खाता कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रय विक्रय रहतिया में प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया दोनों शामिल हो गए, प्रत्यक्ष व्यय आदि को शामिल करके सकल लाभ या हानि की जानकारी मिलती है उसे व्यापार खाता कहते हैं। अब व्यापार खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं? एक परिभाषा आपके लिए कोई सी जो सबसे सरल हो वो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसकी कौन कौन सी हैं मदें, कौन कौन सी हैं व्यापार खाते की मदें, ठीक है। दो भागों में बांट दो, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है वो रिली साइड और क्रेडिट का मतलब होता है धनी साइड। ये आपके समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही चीजें, तीन चीजें जाएंगी, क्या क्या जाएगा? नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, चौथी जा ही नहीं सकती है। ओके, इतना ही जाएगा। क्या होता है? नंबर एक पे विक्रय माइनस कर सकते हैं अगर कहीं पर वापसी हुई हो तो, और दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा? अंतिम रहतिया आ जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर हानि हो रही होगी तो सकल हानि नी और ले, इसका मतलब है नीचे ले गए, इस तरह से लिखा जाता है। केवल तीन चीजें, चौथी घट रही है, ठीक है, विक्रय माइनस वापसी अगर है तो घटा देंगे, अंतिम रहतिया सकल हानि, ठीक। अब इधर क्या क्या आएगा? विक्रय और माइनस वापसी है तो यहां पर क्रय और उसमें से क्या वापसी, ये सेकंड नंबर पे आएगा। क्रय अगर कर रहे हैं तो उससे पहले भी माल हमारे पास में हो सकता है जो कि फर्स्ट नंबर पे प्रारंभिक रहतिया के रूप में आता है। प्रारंभिक रहतिया का मतलब है कि जिस वर्ष में हम ये बनाते हैं उसकी शुरुआत वाले दिन कितना माल हमारे गोडाउन में था, यानी बिना बिके जो बिकने के लिए प्रस्तुत किया गया या बिकने के योग्य तैयार था उसको हम प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। वर्ष के शुरुआत में जितना भी स्टॉक होता है वो सब हमारा प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। और क्रय में से क्रय वापसी को घटा देंगे और तीसरे नंबर पे प्रत्यक्ष व्ययों को हम लिखेंगे। कौन से व्यय? प्रत्यक्ष व्ययों के लिए। ये प्रत्यक्ष व्ययों के लिए यहां पर हम जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखो प्रत्यक्ष व्यय में क्या क्या शामिल होता है? प्रत्यक्ष व्यय में एक तो प्रत्यक्ष व्यय के नाम से ही हो सकता है, बेटा मजदूरी हो सकती है, ओके, मजदूरी हो सकती है, ढुलाई हो सकती है, ठीक है, और लदाई हो सकती है, लदाई ढुलाई, और क्या हो सकता है? भाड़ा हो सकता है माल लाने पर, ठीक है, आने पर भाड़ा, ये आंतरिक रूप से लिखा हुआ होगा आंतरिक नाम से, ठीक है, और मजदूरी हो गई, भाड़ा हो गया, लदाई हो गई, ठीक है, ढुलाई हो गई, और क्या हो सकता है?
कोयला किसी चीज को बनाने में, कोयला, गैस, कारखाना, व्यय इत्यादि, ये खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक ही चीज बचती है जिसका नाम है चौथे नंबर पे सकल लाभ। ओके, इतने के द्वारा जो खाता तैयार होता है उसे हम व्यापार खाता कहते हैं। और व्यापार खाते का जो नमूना है, अगली वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें व्यापार खाते का नमूना हम सिखाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के व्यापार खाते को आप समझ गए होंगे कि व्यय खाता जिसमें प्रारंभिक रहतिया क्रय और विक्रय और अंतिम रहतिया दोनों के साथ में और प्रत्यक्ष व्ययों को लिखते हुए सकल हानि या सकल लाभ, सकल हानि या सकल लाभ की गणना होती है। ऐसे खाते के लिए हम कौन सा खाता कहते हैं? व्यापार खाता कहते हैं। और व्यापार खाता, लाभ हानि खाता जब बनाना स्टार्ट करेंगे दो मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, क्यों? जिसने प्रत्यक्ष व्ययों को यहां पर डाल दिया तो प्रत्यक्ष व्ययों को लाभ हानि में डाल देंगे, बस तैयार, संपत्तियां दायित्व तो रटी जाते हैं, तो गलत तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, ये तो मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को आप एक बार और बैक करके देख लेना जिससे पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ जाए।